यूपी के एक शानदार आईपीएफ अधिकारी के किस्से किसी से छुपे नहीं होंगे। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के किस्से किसी से छुपे नहीं हैं, जिन्होंने विधायक की हेकड़ी निकालते उसे जेल भेज दिया था। वहीं अब नया मामला महोबा जनपद से सामने आया है, जहां पर यूपी की टाइपर छात्रा को ही आरोपी बना दिया गया था। छेड़खानी पर छात्रा पर आरोप लगे थे। पीड़िता के पिता के द्वारा पहुंचकर एडीजी जोन से पूरी फरियाद कही गई, जिसके बाद तत्काल मामले का संज्ञान लिया और महोबा के पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह और थानाध्यक्ष को लाइन पर ले लिया। मामला फर्जी पाए जाने पर तत्काल फोन से ही थानाध्यक्ष की हवा निकाल दी और उन्हें तत्काल सस्पेंड करने का आदेश सुना दिया गया। तो सुनिए पूरा मामला क्या था। ये सुधा जी, ये देखिए, आपके यहाँ का एक आदमी आया हुआ है मेरे पास में, थाना श्रीनगर का, थाना श्रीनगर का रहने वाला है ये व्यक्ति। इसका नाम है राकेश पटेरिया, गांव में ननोरा, थाना श्रीनगर। इसके खिलाफ दो तीन बार FIR लिखा दी है। एक सिंह, वो कभी अपनी पत्नी से लिखाता है, कभी अपनी बेटी से लिखवाता है। रहने वाला चरखारी थाने का है। तो ये आप एक तो चरखारी के एसओ को बुलाइए अपने सामने, एक एसओ श्रीनगर को बुलाइए, इन दोनों को बुलाना। दोनों एसओ आएंगे, ये पूरा इसका IO क्या अभी रिपोर्ट वगैरह जो भी हुई है, इसमें छोटी मोटी कोई दुश्मनी होगी, दुश्मनी किसी और से है ना, होंगे। और इसमें एक लड़की का नाम लिखा दिया जो यूपी बोर्ड में थर्ड नंबर पर आई है पूरे यूपी में, उसको भी मुलजिम बना दिया। तो ये तो बिल्कुल एकदम वाहियात पना इनका। मैं FIR का कंटेंट देख रहा हूँ, उससे साफ पता चल रहा है कि ये फर्जी FIR है। 156(3) में तो नहीं लिखी गई है, डायरेक्ट लिखी गई है। मैं तो बताती हूँ ऐसी FIR कितनी हो जाए। नहीं, ये इसकी एक मिनट देखिए, आपका ये SO लाइन पर लिया मैंने, इसको करता हूँ, एक मिनट सुनिए। हेलो, हाँ ADG बोल रहा हूँ, हाँ ADG बोल रहा हूँ, ADG जोन। ये आपके यहाँ एक मुकदमा लिखा गया है 2/9 को, 354, 323, 504, 506, और इसमें राकेश पटेरिया, इसकी बेटी पत्नी सबके खिलाफ लिखा दिया, नाम की महिला है जिसने लिखाया। क्या है ये मामला, देखा था इसका, जांच की इसकी आपने? हाँ सर, जांच की गई सर। क्या है इसमें सर? ये मामला है 2017 का सर, लेन देन का मामला था। दो लाख 65,000 रुपया इनको देना था पटेरिया को सर, जल्ला इनके गांव से ले आए थे। इसमें सर थाने में 2017-18 में पंचायत भी हुई सर, इन्होंने स्वीकार किया 2,65,000 रुपया है यहाँ से पंचायत करके, फिर उसके बाद इन्होंने पैसा सर नहीं दिया। ये कई बार थाने आई, यहाँ थाने आई, मैंने कहा कि अगर सरकारी का घटना स्थल है तो आप वहाँ मुकदमा लिखा लीजिए, पैसे वाला मामला उसमें लिखाई नहीं सर। फिर ये एक दिन पटेरिया के घर में जो है आई अपना पैसा मांगने के लिए, ये कह रही कि उसने आपको बुलाया था, तो उसके घर में अंदर गई सर और वहाँ जाके अपना ये बताया कि सर सरकारी वीडियो जो बना के आई और पूरा वही उद्देश्य हाँ। तो आपको आपको नहीं लग रहा ये रुपए पैसे का लेन देन का मामला? आपने एक लड़की के खिलाफ मुकदमा लिख दिया जो बताने के पढ़ने में जो है मेधावी छात्रा है, पूरे यूपी में थर्ड पोजीशन आई है, उसको मुलजिम बना दिया आपने उसमें। राकेश के खिलाफ है ये FIR में लिखा हुआ है, राकेश पटेरिया एक्यूज के कॉलम में, दूसरा लिखा हुआ राकेश पटेरिया की पत्नी, नंबर 3 पे लिखा हुआ राकेश पटेरिया की पुत्री। तो पुत्री का रहेगी 354। आप अभी जो है ये सारे पूरे डॉक्यूमेंट्स लेके इसके केस के SP महोबा के समक्ष पेश होंगे। ये सुन लिया आपने SP साहब? ये बदमाश है, रुपए पैसे का लेन देन का ठेका लिया हुआ है इन्होंने सही कराने का। अभी इसको बुलाइए एंड प्लेस हिम अंडर सस्पेंशन। मैं मजाक बना दिया इन्होंने पुलिस का, किसी के खिलाफ कुछ भी लिख देंगे। और ये व्यक्ति आपके पास आएगा, पुराने केस भी देखना है इसका, लेन देन का भी होगा तो लेन देन के हिसाब से करें, लेन देन का मुकदमा लिखें। ठीक। वीडियो देखने के बाद तो समझ में आ ही गया होगा कि यूपी के दरोगा तो कुछ भी कर सकते हैं, आरोप कुछ भी हो मुकदमा दर्ज करने से बाज नहीं आते, बल्कि भले से क्षेत्र में क्राइम और लूटपाट की घटनाएं बढ़ती रहे, लेकिन FIR भी साहब इतनी सफाई से लिखते हैं कि देखने वाला भी दंग रह जाए। हालांकि मामले के लेकर प्रेम प्रकाश ने पूरा पर्दाफाश कर
अपने विभाग के खिलाफ ही जांच शुरू करा दिया है। तो बने रहें दैनिक आप तक के साथ।